हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल करियर। फ्रेंड्स, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी निशा गोर्गन वाली कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी जानकारी मेरे को मिल चुकी है। एक यूट्यूबर है जिन्होंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि जो वो लड़का था वो लड़का कौन था, उसका क्या नाम था। वो थोड़ी सी वीडियो आपको मैं चला के दिखाऊंगा, तो उस वीडियो को देखना आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्या थी। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उनके चैनल का, अगर देखना चाहते हो बढ़िया से तो लिंक से भी आप उनके चैनल पे जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको मैं शो कर दूंगा, यहाँ पे आप वीडियो चल रही है आप देख सकते हो। दोनों फेस मैच कर रहे हैं कितने अच्छे से, और साथ में यहाँ पर देखो निशा गुरगेन ने इसको फॉलो किया था, उसके बाद अनफॉलो भी कर दिया। सो गाइस, कोई भी इंट्रो इस वीडियो में नहीं होने वाला है। मैं लिटरली सीधा सीधा बताऊं, मेरा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो कि मैंने निशा गुरगेन पे डाला था। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई तूने गलत किया। देखो भाई, मेरा पहले मोटिव समझ लो, मोटिव क्या है, ताकि आप मुझे फेक बोलने से पहले चीज बोल पाओ। मेरा मोटिव केवल ये है कि जब वो वीडियो रियल है, वो सभी जानते हैं रियल है, और निशा गुरगेन खुद भी जानती है वीडियो रियल है, और मैं कभी ये चीज़ नहीं बोला कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसलिए मैं लड़के का भी प्रूफ निकाल के ले आया हूँ आप लोगों के लिए। उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे पहले निशा गुरगेन ने सॉरी बोला, उसके बाद वो लाइव आके कैसे मतलब इस मैटर को एकदम ख़त्म करना चाहती थी और हंसी मजाक कर रही थी। तो वीडियो आप नहीं देखो, पूरा देखना, 9 मिनट का है, आपके सारे डाउट जो है उसमें वो क्लियर हो जाएंगे पूरे तरीके से। अब आज मैं बात करने वाला हूँ उस लड़के के बारे में, जो कि लड़का इस वीडियो को वायरल किया है, और अभी तक ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया है। मैं होपफुली फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो इस बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। भाई, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से समझना, ये जो है मैं खुद पे क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ये किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसने बोला नहीं नाम लेने को। तो थैंक यू सो मच भाई भेजने के लिए। आप यहाँ पर इस वीडियो को देखो, इसमें निशा गुरगेन ने उसको फॉलो किया हुआ था, ये नाम है उसका, और उसके बाद उसे जो है उसने अनफॉलो कर दिया। जब ये सारी चीजें हुई तो उसने जो है उसको अनफॉलो वो कर दिया है। अब मैं उस लड़के का नाम बताऊं, रमजान नाम है, रमजान आप देख रहे हो उधर, रमजान नाम से, और इसकी मैंने फोटो भी मैच कराई है, ये भी नहीं, यहाँ तक तो चलो ठीक था, उसने अनफॉलो कर दिया, डजेंट मीन। पहले मैं वीडियो की अगर बात करूँ तो ये वीडियो भाई नया नहीं है, ये वीडियो बहुत पुराना है। आई डोंट नो अबाउट दिस वीडियो, बट ये निशा ये कन्फर्म है वीडियो ये पुराना है, इसलिए क्योंकि इसका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, 1-2 साल पुराना वीडियो हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह हो सकता है इसका, तो हो सकता है मे बी कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो इसने शेयर कर दिया हो, ये सारे मैटर हो सकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी इसने शेयर कर दिया तो भाई क्या कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोलेंगे तू इस वीडियो को काहे बना रहा है। भाई देखो, पहली चीज कोई आटू झाटू आदमी तो है नहीं, लोग फेमस सेलिब्रिटी है, तो फेमस सेलिब्रिटी का मतलब यही होता है कि भाई उन पर वीडियो बनाया जाए, उनके द्वारा हम भी फेमस होंगे। मैं जो बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, एकदम साफ बता रहा हूँ कि भाई जो भी फेमस है वो फंसता ही फंसता है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की या कोई लड़का भी होता ना तो भी लोग चढ़ बैठते, ये बात एकदम फैक्ट है। तो आप यहाँ पर एक चीज मैच कराओ, वो है इसकी स्माइल लौंडे की। लौंडे की क्या मतलब, भाई की स्माइल सेम है, एकदम सेम स्माइल है। और इस वीडियो में, और सबसे बड़ी चीज ये फेसबुक पर भी है, तो आप जब रमजान कूटे ऐसे क्या भी नाम है, कूटे पूटे जो भी हो, आप जब फेसबुक पे जाओगे तो देखो इसकी प्रोफाइल है इस नाम से, यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। हालांकि निशा गुरगेन ने इसको अनफॉलो कर दिया है, बट उसके बाद भी सारी चीजें जो है सामने आ गई है कि लड़का कौन है। आई होप फुली कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन फेसबुक पर अगर इसका अकाउंट देखना हो तो आप जाके देख सकते हो, मैं इधर शो करा दे रहा हूँ। और 100% जो है यही लड़का है, आप भी फेस वगैरह मैच करा के अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। और जो भी डाउट आपके क्लियर नहीं हो पाए वो पुराने वीडियो जाके देख लो, उसमें क्लियर हो जाएंगे। और होपफुली मैं आशा करता हूँ कि लड़का पकड़ा जाए। और जो लोग भाई बोल रहे हैं शेयर नहीं करना चाहिए, मैं शेयर के लिए एक बार भी नहीं बोला, बट सच्चाई को सामने लाना भी जो वो हम लोग का हक है, सभी यूट्यूबर्स का। इट डजेंट मीन, भाई देखो मैं एक बात बोलूंगा, शायद आप लोग को बुरा लगे, अभी जो रंडापा गाली निकल गई, सॉरी, जो कुतियापन फैलाया था एकता कपूर ने, उसको आप अच्छे से जानते होंगे। हिंदुस्तानी भाव ने केस किया, उसका बेचारे का कोई साथ नहीं दिया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं
खुद आर्मी की ट्रेनिंग कर चुका हूँ, मैं एक एनसीसी प्लेयर हूँ, आर्मी की ट्रेनिंग किया हूँ, मैं कभी डालूंगा क्यों मैं आर्मी लिफ्ट किया उसका भी मैं रीज़न डालूंगा। वो मुझे लाइफ का अभी तक का सबसे गंदा लगा कि भाई इंडिया में अगर रहना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेके कोई भी न्यूज़ कवर उसको नहीं की टॉपिक को, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बात है तुम इंडियन आर्मी को सीधा सेक्स करते दिखा रहे हो दूसरे, मतलब इंडियन आर्मी की वाइफ को दूसरे लड़के के साथ, वो भी आर्मी की ड्रेस पहना के। दिस इज द रोस्ट थिंग आई एवर सीन इन माय लाइफ। वो मुझे सच में अंदर से धक्का लगा, क्योंकि मैं आर्मी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे बुरा लगा था। और अभी तक उसका कोई साथ नहीं दिया हिंदुस्तानी भाव का। मैं मतलब बहुत बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो उसके साथ खड़े हो हिंदुस्तानी भाव के साथ तो ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब गलत चीज़ें वायरल हो रही हैं तो फिर हो भाई सारी चीज़ें वायरल होनी चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन सही चीज़ें मैं वायरल कर रहा हूँ, गलत नहीं। और अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ तो आई एम रियली सॉरी दिल से, क्योंकि आप ही लोग से भाई हम लोग चल रहे हैं, अगर आप ना होते तो हम लोग इतने सब्सक्राइबर ना गेन करते और आप लोग ना देखते तो हम लोग इतने ऊपर ना पहुँच पाते। सो गाइस दैट्स इट फॉर द नाउ।